हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज आपका 10th क्लास का लाए हैं आपका 14.2, जिसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे। इससे पहले आपको दो वीडियो दे चुके हैं आपका, जिसमें पहले आप वीडियो में आप सीखते हैं सभी आपका बिना वर्ग अंतराल वाला जो भी होता है डाटा, उसके माध माध्यक बहुलक परिसर जो भी होता है, माध विचलन मानक विचलन सब निकालना सिखाए थे। तो आज स्टार्ट में हम बहुलक, तो देखिए हम बहुलक का सूत्र क्या होता है आपका, एम अच्छा बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुने एच। ये याद रखना आपका बहुलक का सूत्र था। अब यहाँ पर प्रत्येक पद को पहले हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो देखिए क्या होगा, बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखेंगे वर्ग 5 से 15 की बारंबारता 6 है, 15 से 25 तक का 11 है, 25 से 35 तक का 21 है, 35 से 45 तक का 23 है, और 45 से 55 का 14 है, और देखेंगे अंत में आपका 55 से 65 तक 5 है। तो किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम कहेंगे वर्ग क्या 35 से 45 तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका एल बराबर, जब परीक्षा में बनाइएगा तो उसमें ये लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ एल बराबर लिख लेना। तो यहाँ पर देखें एल बराबर आपका हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपका एल, एल बराबर 35। एफ वन हो जाता आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, फ्रीक्वेंसी आपका 23 है, तो ये आपका हो जाएगा 23। फिर हम देखेंगे एफ जीरो, यह हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। तो यहां देखेंगे ये आपका ये एफ वन था, इससे पहले जो ठीक था एफ जीरो, एफ जीरो आपका हो गया देखेंगे तो 21, और एफ टू की बात करेंगे तो बहुलक ठीक बाद की बात करें, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग वर्ग की बारंबारता। तो इसका हम बात करेंगे तो देखेंगे क्या था 14 है, एफ टू बराबर आपका 14, और अंत में एच है, ये आपका वर्ग माप है या वर्ग ऊंचाई कहिए। तो ये आप कहीं घटा लीजिए आपका 45 में 35, 35 में 25 घटाइए, कहीं भी आपका क्या आएगा 10 आएगा। एच हम कह सकते ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, जब भी परीक्षा बनाएंगे तो ये सभी चीज आपको लिखना नहीं है, तो ये सभी चीजें हम आपको समझा रहे थे इसलिए बता दिया आपका कौन सा क्या है। तो अब हम देखते हैं बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका बहुलक बराबर क्या है एल प्लस, तो मोड इंग्लिश में था मोड बराबर होगा एल प्लस, एल देखेंगे कितना आपका, तो एल देखेंगे तो कहेंगे एल क्या आपका 35 है, तो 35 प्लस एफ वन आपका देखेंगे तो 23 माइनस एफ जीरो आपका देखेंगे 21 बट्टा, यहाँ पर देखिए टू एफ वन तो एफ वन को 2 से गुना करना आपका 23 दुनिया हम कहेंगे 46, माइनस में एफ जीरो आए एफ टू है तो माइनस में आपका 21 आ माइनस फिर 14 है गुने आपका हाइट आपका 10। तो अब देखते हैं 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बट्टा 46 में से दोनों मिला के हमेशा घटा लीजिए क्योंकि दोनों माइनस में, तो 46 में से 21 जाएगा तो आपका हो जाएगा 25, 25 में से 14 जाएगा तो कहेंगे हम 11 गुने आपका 10। तो यहां पर देखेंगे 35 प्लस 20 बट्टा 11,
तुम देखेंगे 35 प्लस 20 बटा 11, 11 दुनी सॉरी 11 एक 11 दशमलव, फिर देखेंगे 9 0 11 8 88, फिर देखेंगे आपका 2 0 मतलब ये आपका आते हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे कह सकते हैं आपका 36.81 समथिंग, लगभग 36.81 आएगा। तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं, प्रत्येक पद को आपको समझना होगा, बहुत ही आसान है आपका, इसमें कुछ ज्ञात करना नहीं होता। बहुलक वर्ग, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक यहाँ पर था तो उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल कहते हैं, इसकी बारंबारता को एफ वन कहते हैं, इसके ठीक पहले की जो बारंबारता होगा उसका एफ जीरो कहेंगे, उसके बाद ला के एफ टू कहेंगे। एच क्या हो जाएगा आपका, कहीं भी घटा लीजिए वर्ग माफ हो जाएगा, और यहाँ से आप सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज का महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़े बहुलक, जिसमें हम 14.2 कम्प्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका लाएंगे माध्यक, माध्यक निकालना सिखाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।